सबसे पहले तो सारे गांव वालों का, आसपास के गांव वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकाला और हमारे टूर्नामेंट सफाई के लिए हमें इज्जत काजी मीर साहब जो कि हमारे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं सियासी व समाजी शख्सियत हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया और हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए। मैं सबसे पहले दावा देता हूँ खिलाड़ियों जीत के लिए, उसके हम अपनी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का पता लगा रहे हैं। आफत मोहम्मद रमजान القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية آمنت بالله صدق الله العظيم हम शुक्रगुजार हैं, मशहूर हैं टूर्नामेंट कमेटी के लिए जिन्होंने मतलब बड़ी अपनी कावज से ऐसे इवेंट का इनाकाद किया जिससे मतलब स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट और लड़कों में जज्बा उभरता है कि मतलब अपनी अपनी जो है वो अपनी काविशों को शो करें, अपनी स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। सबसे पहले मतलब कार्रवाई को तो मुख्तसर करते हुए मैं रनर अप टीम के कप्तान को दावा देता हूँ मिस्टर अब्दुल्ला के वो आएँ और रनर अप टीम का इनाम वसूल करें। के लिए ट्रॉफी और 4000 रुपये नकद इनाम है। दोनों टीमों ने बड़ी अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा किया है लेकिन एक टीम ने हारना ही होता है। दोनों टीमों ने सचिन ने लंडो का मुजाहरा किया, जारी बात है जो अच्छा खेला और वो जीत। अब विनर टीम के कप्तान मोहम्मद इलियास को दावा देता हूँ। ग्राउंड मैन जिन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, हमारे साथ तावन किया ये तो कहना छोटा है। इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाए और सारे खिलाड़ियों की बातें सुनी, लोगों के एतराज़ात सुने लेकिन बड़े पेशेंस और हम्बल का मुजाहरा किया। ये सारा जाता है क्रेडिट। आज के मैच पे मैन ऑफ द मैच है मोहम्मद मलिक जिन्होंने हैट्रिक की।
ਆਪਣੀ ਲਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲਾਲਾ ਫਿਰ हौसला अफजाई के लिए इंडिविजुअली इनामत हैं। सारे लड़कों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। सबसे पहले इमरान छोटा आएंगे और अपना ਚੌਲ ਚਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਆ ਹੈ। ਹਮ ਉਨਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਵੋ ਹਮੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਖਰਚ ਕਰਤੇ ਰਹੇਂਗੇ। ਆਖਿਰ ਮੇ ਮੁਸਾ ਵਿਨਿੰਗ ਟੀਮ ਕੇ ਪਲੇ ਕੈਪਟਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲਿਆਸ ਕੋ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿ 8,000 ਪੈਰ ਔਰ ਟ੍ਰਾਫੀ ਸਰਕਾਰ